हुंडई कार कंपनी के देश विरोधी ट्वीट के खिलाफ हिंदू जागरण मंच ने विदिशा में हुंडई शोरूम पर विरोध प्रदर्शन किया। विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने शोरूम में खड़ी कारों पर गोबर लगाकर कारों को शुद्ध किया। देखिए ये रिपोर्ट। दरअसल ये पूरा विवाद हुंडई पाकिस्तान के ट्विटर अकाउंट से किए गए एक ट्वीट को लेकर शुरू हुआ। हुंडई पाकिस्तान के अकाउंट से कश्मीर को लेकर एक ट्वीट किया गया, जिसमें हुंडई पाकिस्तान ने कश्मीर की आज़ादी को लेकर पोस्ट किया, जिसमें लिखा गया कि चलिए याद करें कश्मीरी भाइयों के बलिदान को और उनका समर्थन करें ताकि वह आज़ादी के लिए संघर्ष करते रहें। इसी पोस्ट के बाद देश भर में बवाल मच गया। इसी को लेकर विदिशा में हिंदू जागरण मंच के द्वारा हुंडई शोरूम पर विरोध प्रदर्शन किया गया, तो वहीं हिंदू जागरण मंच के द्वारा कारों पर गोबर लगाकर शुद्ध किया। जागरण मंच के जिला अध्यक्ष संजय प्रजापति ने बताया कि देश के खिलाफ अशुद्ध मानसिकता वाली इस कंपनी और कारों को शुद्ध करने के लिए उन्होंने यह कदम उठाया है। हमने हुंडई शोरूम के अंदर जाकर सभी गाड़ियों के ऊपर गौ माता का गोबर से शुद्धिकरण कराया और शोरूम का भी गौ माता के गोबर से शुद्धिकरण कर दिया। उनकी मानसिकता शुद्ध हो, हमारी ऐसी भावना है। देश के खिलाफ जो गलत मानसिकता है उबल रही है, कहीं ना कहीं उनके अंदर जहर पैदा है, आतंकवादियों को अपना भाई कह रही हैं, इस तरह की मानसिकता उनकी शुद्ध हो, इस तरह हमने गौ माता का गोबर से उनके शोरूम को लीप दिया ताकि उनकी बुद्धि शुद्ध हो। और आगे से हम ये कहना चाहते हैं, व्यापार आप हिंदुस्तान में कर रहे हो, हिंदुस्तान का खा रहे हो, गा पाकिस्तान की रहे हो, ये हिंदुस्तान में होने नहीं दिया जाएगा। अभी हमने ये आपको एक सूक्ष्म रूप से संदेश दिया, अगर नहीं सुधरे तो आपको बहुत तकलीफ होगी आने वाले समय में। हिंदू जागरण मंच के लिए इसके लिए करबद्ध है और प्रतिज्ञा करता है कि अगर आपने संपूर्ण रूप से माफ़ी नहीं मांगी, ये आपने जो धोखेबाजी करी है माफ़ी मांगने में, एक हिसाब से आप उनको अपना भाई भी बता रहे हो, उनका सम्मान भी कर रहे हो, और दूसरे रूप से आप गलत प्रकार से माफ़ी मांग रहे हो, तो माफ़ी कायदे से मांगी जाए। और माफ़ी मांगना अब ये नहीं चलेगा कि आप पहले गलती करो, देश विरोधी गतिविधियाँ करो, फिर माफ़ी मांग लो, ये आप कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और हिंदू जागरण मंच तो बिल्कुल नहीं करेगा। भारत माता की जय। आज नया नहीं किया है, किया तो बहुत पुराना ही है और जो लगातार होते रहना चाहिए वही किया है, क्योंकि विरोध प्रदर्शन या शांति से नहीं होती, आज के समय में क्रांति से होती है। गांधी के ज़माने गए, अब शांति का समय नहीं है कि एक गाल पे थप्पड़ मारा और माफ़ी मांग ली, माफ़ी का समय नहीं है, अब शांति का समय नहीं है, पहली बात तो क्रांति का समय है। दूसरा, हुंडई कंपनी जो कि दक्षिण कोरिया की कंपनी है, भारत में जिसका व्यापार सबसे बड़ा है, 48,42,068 गाड़ियां 2021 में भारतवर्ष में उसकी सप्लाई है, विश्व की तीसरे नंबर की कार कंपनी है हुंडई, इतना बड़ा भारत में जब उसका व्यापार है, उसके बाद उसके अकाउंट से, हुंडई के पर्सनल अकाउंट से ये ट्वीट जो हुआ है जिसका मैंने चित्र आप लोगों को दिखाया है, उस ट्वीट में मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। लेट अस रिमेम्बर द सेक्रीफाइसेस ऑफ अवर कश्मीरी ब्रदर्स एंड स्टैंड इन सपोर्ट अस दे कंटिन्यू टू स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। अर्थात इसका हिंदी में होता है,
आइए हम अपने कश्मीरी भाइयों के बलिदान को याद करें और समर्थन के साथ खड़े रहें, क्योंकि वे आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो इसका अर्थ ये है, जो आतंकवादी वहाँ पर रोज मर रहे हैं, जिसके लिए हमारी सेना निरंतर बलिदान दे रही है, वो इस हुंडई कंपनी उनको अपना भाई बता रही है। तो ये भारत देश की अर्थव्यवस्था, भारत देश के साथ ही व्यापार करने वाले, अगर तुम आतंकवादियों को, जो भारत विरोधी गतिविधियों को अगर भाई कहते हो, तो वो हमें स्वीकार नहीं। सर्वप्रथम दूसरे उनने अपनी इसमें माफीनामा पेश करा है, क्योंकि ये सोशल मीडिया पे ट्रोल हुए। तो एक व्यापार नीति के रूप में कंपनी किसी वशिष्ठ क्षेत्र में किसी भी राजनीतिक या धार्मिक मुद्दे पर टिप्पणी नहीं करती, ये उनका कहना है। पाकिस्तान में स्वतंत्र रूप से स्वामित्व वाले वितरक डिस्ट्रीब्यूटर ने अपने स्वयं के खातों से कश्मीर संबंधित मुद्दे को संबंधित सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। जैसे ही हमें पता चला, हमने उसे समझाया उसने क्या गलत किया, हमने उस पर काम किया और ये सुनिश्चित किया कि वो उस पोस्ट को हटा दे और फिर दोबारा ये ना हो। हुंडई उस पाकिस्तानी वितरक से जुदा नहीं है। एक तरफ आप उसके संबोध का विरोध कर रहे हो, एक तरफ आप उससे कह रहे हो हुंडई उस पाकिस्तानी डिस्ट्रीब्यूटर जिसने ये कमेंट करा हुआ है, जो आतंकवादियों को भाई बता रहा है, उससे जुदा नहीं है। आप ये दोहरी राजनीति इधर ना करें। ये ईस्ट इंडिया कंपनी पहले कर चुकी है भारतवर्ष में, अब कोई कंपनी की राजनीति नहीं चलेगी। दूसरे, आपने अगर माफ़ी मांगी है तो आप हमारे राष्ट्र का जब चाहे अपमान करें, आतंकवादियों का समर्थन करें। सोशल मीडिया पर हुंडई पाकिस्तान का पोस्ट देखते ही देखते जमकर वायरल होने लगा, जिसके बाद भारतीय लोगों का गुस्सा हुंडई कंपनी पर फूट पड़ा। लोगों ने इस पोस्ट की कड़ी आलोचना करते हुए हुंडई कंपनी के विरोध में मैदान में उतरे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News TV, विदिशा।